जोशी से हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना भवन में हेमवती नंदन बहुगुणा जी का मूर्ति का अनावरण किया। हमारे पास खास बातचीत करने के लिए इलाहाबाद से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। मुख्यमंत्री जी ने अनावरण किया, क्या कुछ अमृत महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, अपने शहीदों को याद करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के लिए और अपने अतीत में जो लोगों ने बलिदान दिया है देश के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इसी श्रृंखला में 1942 के आंदोलन में करो या मरो का जब नारा गांधी जी ने दिया और बहुगुणा जी ने इस परचम को युवाओं के नेतृत्व करते हुए प्रयागराज में उठाया तो उनके जुलूस पे गोली चली, एक बच्ची की मृत्यु हुई और उनपे 5,000 रुपए का जिंदा या मुर्दा इनाम लगाया गया। 12 तारीख थी वो। तो आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, अभी उनकी जन्म शताब्दी समाप्त हुई है तो योजना भवन में उनकी प्रतिमा को स्थापित किया है, अतीत को याद किया, उनके योगदान को याद किया, मैं उनकी आभारी हूँ। विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ जी के कि एक और बाढ़ है, दूसरी ओर कोविड का की तैयारी है, तीसरी ओर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालना है, इस बीच में सांस्कृतिक गतिविधियों को, राष्ट्रीय गतिविधियों को जारी रखा है तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और पूरी सरकार की ओर नीलकंठ तिवारी जी की भी आभारी हूँ। मैम एक सवाल और चाहते हैं कि जितेंद्र सिंह बबलू को आपके द्वारा नाराजगी पार्टी से निष्कासित किया तो क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, मैंने पार्टी को एक पत्र लिखा था पार्टी अध्यक्ष जी को, उन्होंने निर्णय लिया तो देखिए कितना लोकतांत्रिक और कितना उन्होंने निष्पक्ष होकर एक बहुत ही अपने दृढ़ निर्णय लिया है, मैं उनका आभार मानती हूँ। मुझे कहीं कोई ज्यादा आवाज नहीं उठानी पड़ी, सिर्फ एक पत्र पे काम हुआ, आभार। तो ये थी हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी, जिन्होंने साफ बताया कि पार्टी किसी भी तरह की गलत और माफिया राज को नहीं चलने देगी। अब देखने वाली बात यह कि 2022 चुनाव में सरकार किसके साथ रहती है। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी, के न्यूज लखनऊ।